तो आज हम आ गए द कोन चाट सूरत के फैक्ट्री आउटलेट पे। तो यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में कूलर पिज्जा बनता है, तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो अभी डल रहा है यहाँ पे पनीर। ये देखिए भाई कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे पनीर डल रहा है। एक साथ यहाँ पे कितने कूलर लग रहे हैं भैया? ये 35 कूलर लगे। 35 कूलर लगे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डाल दिए उन्होंने टमाटर, और ये देखिए कौन आ गया यहाँ पे। तो कूलर पिज्जा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कूलर पिज्जा रेडी हो रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए इनको मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का कूलर पिज्जा पूरे सूरत में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अभी क्या डाल रहे हैं ये? हमारे खुद के बने हुए सोसेस है। तो भैया आपने सोचा कैसे कि कूलर पिज्जा लगाना है? मतलब ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, हमने कुछ नया ट्राई करके कुछ नया बनाया। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता? कहीं नहीं मिलेगा इसको, हमने ही पूरा बना के लॉन्च किया है। तो देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, भैया ने यहाँ पे स्टार्ट किया सूरत में। और ये देखिए यहाँ पे सॉस जल रही है, यहाँ पे देखो टोमेटो सॉस जल रही है, तो काफ़ी यूनिक इसकी मेकिंग होने वाली है। ये देखिए ये भी हमारे खुद के मसाले हैं, मसाले रहते हैं ये। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च आ गई यहाँ पे, जो मसाले खुद के घर के रहते हैं। और ये ऑरिगेनो आ गया यहाँ पे, और ये क्या डलता है? ये भी मसाला ही है हमारा। ये देखिए ये बढ़िया से मसाले डल गए यहाँ पे, ब्रेड के पीसेस आ गए, ब्रेड क्रम्स। अच्छा ब्रेड क्रम्स आ गए। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ देखते हो यहाँ पे कूलर रेडी हो रहे हैं पिज्ज़ा वाले। ये फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ पे इनका ये कूलर पिज़्ज़ा रेडी होता है। ये देखिए बहुत सारी क्वांटिटी बनता है ये। तो ये अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिए सारी चीज़ें। तो ये रेडी हो चुका है यहाँ पे अभी? हाँ ये रेडी हो गया है। तो अब इसको 5 मिनट के छोड़ देंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से सॉसेस और मसाले सोक कर ले। तो ये कूलर के अंदर फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो आधा भरेंगे इसको। हाँ अभी आधा भराएगा, इसके बाद उसमें और भी आइटम आएंगे बहुत सारे। अच्छा और भी आइटम आएंगे अभी। ये देखिए अब कूलर को आधा भरा जा रहा है, तो इसके बाद भैया और भी इसमें चीज़ें डालेंगे, तो वो भी देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो देखते तो फटाफट यहाँ पे एक साथ 35 कूलर रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए बढ़िया से स्टफिंग इसके अंदर भरी जा रही है। तो देखते ये आ गए टमाटो सॉस यहाँ पे। तो देख सकते हो कितने सारे कूलर पिज़्ज़ा यहाँ पे एक साथ रेडी हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। ये नज़ारे आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, आपको सूरत ही आना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा सॉस यहाँ पे डल चुका है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? मसाला। अब इसमें मसाले जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये आगे इनके स्पेशल मसाले यहाँ पे। तो ये मसाले यहाँ पे डल के रेडी हो चुके हैं। लिक्विड चीज़ जाएगा, लिक्विड चीज़। तो भाई ये देखिए ये आगे लिक्विड चीज़ यहाँ पे। तो ऊपर की जो भी लेयर रहेगी वो लिक्विड चीज़ की रहेगी इनकी। पूरा चीज़ ही होता है, ऊपर से पूरा चीज़ ही रहता है, ऊपर से अंदर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा चीज़ ही रहता है। और इसमें मोज़रेला चीज़ जाएगा। तो ये देखिए भाई ये आ गई यहाँ पे मोज़रेला चीज़, चीज़ ही रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड रहता है चीज़ से। ये देखिए ऊपर से और चीज़ डाल दिया उन्होंने, तो एकदम बढ़िया तरीके से देखो चीज़ से भर दिया इसको। तो भैया चीज़ तो डल गई, अब इसके बाद क्या होगा? वापस से जो अपन ने मिक्स किया था पूरा बॉटल वापस जाएगा इसके अंदर। अच्छा ये मटेरियल दोबारा से डलेगा? तो भाई ये देखिए स्टफिंग देखिए, ऊपर से चीज़ के ऊपर और डाल दिए इन्होंने, और इसके ऊपर से फिर से चीज़ डलेगा। तो देखो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे चीज़ें इसमें डलती है। तो नॉर्मल पिज्जा से बहुत ज़्यादा स्टफिंग डलती है इसमें, बहुत ज़्यादा डलती है। तो ये तो खाने में बिल्कुल अलग होता है। कूलर पूरा भर दिया ऊपर तक। ये देखिए भाई इसके ऊपर से और चीज़ आएगा, ये देखिए ऊपर से और सॉस आ गई यहाँ पे। तो टेस्ट में कैसा रहता है ये? बिल्कुल चटपटा मस्त टेस्ट हो रहा है। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, एकदम बढ़िया सा कलरफुल देख सकते हो। बहुत सारी इसमें चीज़ें डाली उन्होंने, ऊपर से सॉस डाल रहे हैं और इसके ऊपर से और चीज़ आएगी। तो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स आ गया, और ऊपर से इसमें काफ़ी सारे मसाले रहते हैं। तो ये देखिए और चीज़ डलने वाली ऊपर से, तो एकदम भर दिया इसको चीज़ से इन्होंने। देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ डालते हैं, अंदर भी चीज़ रहता है ऊपर भी चीज़ रहता है, पूरा चीज़ ही होता है, पूरा चीज़ ही रहता है बढ़िया तरीके से ये। तो ये देखिए चीज़ एकदम भर भर के डाल रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखो कितना बढ़िया लग रहा है कूलर देखने में। लिक्विड चीज़ के ऊपर इन्होंने मौजूदा चीज़ डाल रहे हैं अब ये। तो देख सकते एक साथ 35 कूलर पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, और एकदम भर भर के चीज़ डाली जा रही है। तो आप क्या करेंगे? ये ओरिगेनो जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया ओरिगेनो यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे कूलर पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुके हैं, तो अब चलते हैं इनकी शॉप पे और अपने लिए इनका कूलर पिज़्ज़ा लगवाते हैं। तो हमारे कूलर यहाँ पे लग चुके हैं, तो हम इनके आउटलेट पे आ गए हैं। ये देखिए तो अब ये जाएगी ओवन में। तो ये देखो ये कूलर चलेगा ओवन में। तो भैया इसको कितना टाइम लग जाएगा? ये 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। 2 मिनट में हो जाएगा। तो देखते इसको हमने ओवन में रख दिया है, और ये 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो फाइनली हमारा कूलर पिज़्ज़ा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, तो अब इसको जल्दी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो ये देखिए चीज़ कूल कितना बढ़िया लग रहा है। फाइनली मेरे यहाँ पे कूलर पिज़्ज़ा लग के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए तो छोटे से कूलर में इन्होंने पिज़्ज़ा की बहुत सारी टॉपिंग्स की फिलिंग की हुई है। तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 80 रुपीज़। तो चलिए भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें पनीर डाला हुआ, कॉर्न डाला हुआ, चीज़ डाला हुआ है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वाकई में इनका कूलर पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी हो रहा है।
एक जैसा पिज्जा होता है एकदम वही टेस्ट है। तो जो कैप्सिकम डाला है, कॉर्न डाला है, चीज़ डाला है, पनीर डाला है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? टाइमिंग रहती है 4 से लेके नाइट में 9 बजे तक रहता है, 9:30। हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? 7 दिन चल रहा है, कोई छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी नहीं होता। और एड्रेस बता दीजिए किसको यहाँ पे आना है। द कॉर्न चाट, प्राइम मार्केट, अदाजन, अपना बंधन बैंक के सामने, मालिया हॉस्पिटल भी है सामने उसके जस्ट अपोजिट साइड में, सुरती किचन के नीचे साइड है। अगर आप भी इसको टेस्ट करना चाहते हो तो कॉर्न चाट पे आके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।